हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डीजी बैंक में सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे, वो भी घर बैठे आप अपने मोबाइल से। जी हां फ्रेंड्स, एंड्रॉयड मोबाइल से ही इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करना है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है डीजी बैंक लिख के। आप जैसे ही सर्च करेंगे ये ऐप आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक उसी तरह से करना है। और आपको कुछ चीज़ जो है आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, और जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो आप खोलना चाहते हैं सेविंग अकाउंट तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो इस ऐप को मैंने ओपन किया, देखिए यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा। इसको आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है, क्योंकि SMS यहाँ पर देखिए SMS कॉल का या फिर फोटो कुछ भी यहाँ पर लग सकता है, तो उसके लिए आपको सब अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ कर देंगे इस तरह का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बहुत तीन ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऊपर में है ओपन ए डीजी सेविंग अकाउंट, सेकंड में है गेट पर्सनल लोन विथ डीजी सेविंग अकाउंट। तो आपको क्या करना है, ऊपर में देखिए ओपन ए डीजी सेविंग अकाउंट लिखा है, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे आपको लेके आ जाएगा इस पेज पे। यहाँ पर देखिए और एक पेज आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा है अप टू 7% इंटरेस्ट के साथ में आपको देगा, 24 आवर्स सब कुछ मिलेगा, ATM वगैरह। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ में देखिए कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको करना क्या है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर पहला वाला देखिए मिस्टर है कि मिसेस, जिसका भी नाम से आप खोलना चाहते हैं वो मिसेस है कि मिस्टर है, यहाँ से सिलेक्ट कर ले। एंड देन यहाँ पर सेकंड में देखिए उसका नाम डाल देना है, जो भी नाम है, और ध्यान रहे वही नाम दीजिए जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में है, तब आसान होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो नाम डाल दीजिए। और थर्ड में देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डालने के बाद में नीचे में देखिए नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको करना क्या है, नेक्स्ट का बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे नेक्स्ट बटन में क्लिक किया यहाँ पर सेकेंड पेज पर लेके आ गया। अभी यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट में देखिए आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है आप वही कोशिश कीजिए वो नंबर को यहाँ पर डालने के लिए। और यहाँ पर सेकंड में देखिए एक ईमेल एड्रेस डालना है, और थर्ड में वही ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट फिल कर देता हूँ। यहाँ तो पर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब कुछ फिल कर दीजिए, दोनों ईमेल आईडी एक ही डालिए, और नीचे में पोस्टल कोड डाल दीजिए, यानी कि आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। और डालने के बाद में नीचे में नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन में क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको लेकर चला जाएगा दूसरा पेज पर, और ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा अभी। यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर अभी मैंने डाला ये रजिस्टर्ड हो गया, इसी अकाउंट से लिंक होगा। और यहाँ पर देखिए एक OTP नंबर आएगा जो ऊपर में देख सकते हैं आ गया, वही OTP नंबर को यहाँ पर सेम टू सेम डालना है इस बॉक्स में। और डालने के बाद में नीचे का नेक्स्ट बटन में डाल दिया OTP नंबर और नीचे में नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पेज पे लेके आ गया। अभी यहाँ पर देखिए एक यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम वही डालिए, बीच में गैप या स्पेस मत डालिए, स्पेस देंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, आपको पूरा चिपका के एक साथ में टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने नेम का बीच में गैप कर दिया, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, एरर बता रहा है। तो इस नाम को क्या कर दिया, बीच में जो स्पेस है इसको मैं काट दिया और एक साथ में कर दिया, अभी ये हो जाएगा। और नीचे में पासवर्ड बना दिया, पासवर्ड किस तरह से बनाना है ऊपर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग को दिखा रहा है कि किस तरह से बनाना है। और आपको क्या करना है, जैसे ही पासवर्ड बना लेंगे और नीचे का नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक कर देना है, तो लेके चला जाएगा दूसरा पेज पर। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने सब कुछ सही तरीके से डाल दिया, पासवर्ड भी पहले नहीं हो रहा था ऊपर में देख के डाल दिया, अभी नीचे में नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो रहा है। और जैसे ही लोडिंग हो जाता है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लोड होगा, और ये लेके चला जाएगा मेन पेज पे, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आपका डिटेल्स पूरा फिल करना है उस पेज पर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो गया और यहाँ पर देखिए मेन पेज पे आ गया। अभी यहाँ पर एंटर योर पेन नंबर, आपका जो भी पेन नंबर है जिसका नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं उसका पेन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और नीचे में नेक्स्ट का बटन में क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास में पेन कार्ड नहीं है तो नीचे में देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है डोंट हैव पेन, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में ज़रूर लगेगा। तो कोई भी बंदा अगर सोच रहा है कि मैं बिना पेन कार्ड में बनाऊंगा तो यहाँ पर नहीं होगा, देखिए मैंने नीचे डोंट हैव पेन कार्ड में क्लिक किया तो इस पेज पे लेकर आ गया। अभी डोंट हैव पेन है, इसमें अगर कोई भी ऑप्शन में जाएंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट खुलवाना नहीं होगा, यानी कि कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए दिस इज़ नॉट गुड बाय यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि अकाउंट खोल नहीं सकते, पेन कार्ड
कंपलसरी आपको लगेगा, तभी जो है आप अकाउंट यहाँ तो फिर से मैंने पहले पेज पे आ गया क्योंकि मेरे को यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, आप भी अपना पैन कार्ड का नंबर डालिए नहीं तो अकाउंट खोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, अभी सिंपली क्या करूँगा, नीचे में नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट का बटन में क्लिक करूँगा तभी जो है आगे पेज में जा पाऊँगा। तो पैन कार्ड यहाँ पर कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो कि यहाँ पर दूसरा पेज पे आ गया। अभी इस पेज पे ऊपर का तरफ में देखिए लिख रहा है एंटर योर आधार वर्चुअल आईडी और आधार नंबर। अगर आपके पास में वर्चुअल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपर में तरफ देखिए यहाँ पर गैप में आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। जिसका भी अकाउंट खोल रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। और टिक मार्क लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए जो लिखा है आई एग्री रेड का बॉक्स में, इस आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपको लेके चला जाएगा दूसरा पेज पे। यहाँ पर देखिए बता रहा है आपका सब्सिडी गैस का अगर दूसरा बैंक से आता है तो सेकंड पे क्लिक करें, अगर आप इसी बैंक से लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें। दोनों बॉक्स दिख रहा है, आपको जो मर्जी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका दूसरा बैंक से आता है तो दूसरे पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए सब बैंक का नाम आपको शो करेगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक से आपको सब्सिडी मिलता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में क्लिक कर दिया और नीचे में कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पेज लोडिंग हो रहा है, अभी दूसरा पेज पे लेके आ गया। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उसी ओटीपी नंबर को यहाँ पर डाल के नेक्स्ट का बटन में क्लिक करके आगे में निकलना है। अगर आपके आधार कार्ड में ओटीपी या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सोचिए आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं पर आप रुक जाएंगे। आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो पहले मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए, बाद में आके अप्लाई करिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, लिंक है। और यहाँ पर ओटीपी नंबर डाल के नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि लोडिंग हो रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि बंदा जो नाम डाला है और आधार कार्ड में जो नाम है वो सब सही है कि नहीं है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी नाम एड्रेस रहेगा सब यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा अटैच कर लेगा क्योंकि इतना देर से वेरीफाई किया। यहाँ पर देखिए डू यू लिव एट दिस एड्रेस, आधार कार्ड के पीछे में देखिए जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। अभी ये लोग बता रहा है कि आप यही एड्रेस पे रह रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप रह रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं रह रहे तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपका जो मर्जी करिए, नीचे में नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको लेके चला जाएगा दूसरा एक पेज पे। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर दिया और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए दूसरा पेज पे आ गया। अभी यहाँ पर एड्रेस पूरा डिटेल्स फिल करने के लिए बोल रहा है, क्या अभी आप फिलहाल कहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ से आपको फिल करना है, वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डालना है, क्योंकि मैंने नो पे क्लिक किया था। अगर यस करता तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ से अटैच कर लेता, आपको कुछ भी एड्रेस डालने का ज़रूरत नहीं है अगर आप वही एड्रेस पे चाहते हैं तो। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। फिल कर देने के बाद में नीचे में कंटिन्यू का बटन है, सिंपली आपको करना क्या है इस कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको ध्यान से यहाँ पर डालना है जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, स्टेट है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया, फिर यहाँ पर एरर बता रहा है। इसीलिए बता रहा है क्योंकि मेरे एरिया में ये बैंक नहीं है, मैं जिस पिन कोड में रहता हूँ इस पिन कोड में ये बैंक नहीं है। आप अगर खोलना चाहते हैं तो आपका पिन कोड यहाँ पर मार के देखिए, अगर आपके आसपास में रहेगा, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका शो हो जाएगा और आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को ही डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आपको इंस्टेंट अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इस ऐप के थ्रू में। और यहाँ पर आप कैश ऐड कर सकते हैं, उस पैसे को लेकर आप कुछ भी रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, कुछ भी एवरीथिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर विदाउट लॉगिन आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से मेरा पैन कार्ड सब कुछ जो है यहाँ पर फिल हुआ है। तो जब भी आपका अकाउंट बन जाता है तो इस तरह से जब ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट का इनेबल कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए -3 ऑप्शन में ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में जाएंगे माई अकाउंट पे, तो यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ यहाँ पर शो करेगा जो भी मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाला था। और यहाँ पर देखिए सेटिंग में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा नाम, आधार नंबर और जो भी मैंने डाला था यहाँ पर, अरे अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पर मिल गया, IFC कोड भी मिल गया। और यहाँ पर देखिए
मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड भी आपको मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पर देखिए मेरे केस में मिल गया, फिलहाल मेरे आसपास में नहीं है, फिर भी मिल गया। इसी अकाउंट से आप पैसा डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको पता नहीं है उसको देखने का मौका दीजिए शेयर करके, और सीखने का मौका दीजिए खोलने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक तो कीजिएगा ही। अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए।